खुशी आपके जीवन में, इस देश में हमेशा बनी रहे, यही कामना है। आज जहां हिंदुस्तान के बहुत से लोग त्यौहार मना रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने तुगलक लेन पर स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करके चाबी सौंप दी है। आप जानते हैं कि मानहानि मामले में सजा के बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई थी और फिर बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें मिला था। राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया, लेकिन अब वे माँ के साथ रहेंगे। 19 साल तक जिस घर में राहुल रहे, वहां से निकलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। आइए सुनिए राहुल गांधी निकलते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है, जरा फुल स्क्रीन ले आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर उनकी बात हम सुनते हैं। यहाँ घर का जो है उसको खाली करके चाबी सौंपने की तैयारी है। उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, उन सब के साथ राहुल गांधी मिल रहे हैं। और इसके बाद एक जो लोकसभा सचिवालय का अधिकारी यहाँ ब्लू शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में वो चाबी सौंप रहे हैं। ये तमाम घटनाक्रम कैमरे में कैद है और आप सब तक हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, ये मीडिया की तरफ, मीडिया का जमावड़ा है, राहुल गांधी मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और अब क्या कुछ कहते हैं जरा सुन लेते हैं। आइए, आज आप बंगला आपने खाली कर दिया है, चाबी आपने सौंप दी है। राहुल जी, 19 सालों तक जिस मकान में आप रहे, आज उसे आप खाली कर रहे हैं, किस तरह लग रहा है? मोबाइल शांत हो जाओ जी। राहुल जी, 19 सालों के बाद अपने घर को खाली कर रहे हो। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है भाई? मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, और सच्चाई बोलने की कीमत है। आजकल मैं कीमत चुकाता हूँ, राहुल भी कीमत है, मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, कहाँ रहेंगे आप? आपके पास तो अपना घर भी नहीं है, आपने कई बार कहा कि आपके पास अपना घर नहीं है। 19 सालों तक आप इस घर में रहे, घर से एक इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पर देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे एक महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी बहुत राहुल गांधी चाहते हैं तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते। नहीं, मैं नहीं चाहता जी, रहना नहीं चाहता सर। पहले बात, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था, 19 साल में मुझसे छीन लिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीट के साथ 10 जनपद में रहूंगा जी, और फिर कोई ना कोई तरीका महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उसको दुगना उठाऊंगा और जोरों से उठाऊंगा, क्योंकि देखिए वो सच्चाई है और वो किसी ना किसी को तो बोलनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी जी, डरने वाले नहीं है। तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा और दोगुना उठाऊंगा, और थोड़े दिन अब एक्स सीपी के घर रहूंगा 10 जनपद पे। एक्स सीपी यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक्स पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ वो उनके बंगले पे, उनके घर पे 10 जनपद पे रहने वाले हैं। लेकिन इसके बाद उनकी बहन, वहाँ आप देख रहे थे प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से चर्चा करते हुए, ये भी सुन लीजिए। बहुत छोटी सी बाइट है, प्रियंका गांधी को सुनिए। भाई ने जो कहा वो एकदम सच है जी, उन्होंने सच्चाई बोली सरकार के बारे में जी, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो संघर्ष, तो प्रियंका गांधी संघर्ष भाई जो हैं वो जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने बंगला खाली करने में दोस्तों कोई नखरे नहीं दिखाए, किसी तरह का राजनीतिक दांव पेंच इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बीजेपी को इसमें भी चैन नहीं है। अमित शाह ने कर्नाटक में एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, राहुल गांधी के बंगला खाली करने के सवाल पर कहा है कि हमने तो राहुल गांधी को नहीं कहा था कि वो ओबीसी का अपमान करें। देख लीजिए, हमने तो राहुल गांधी को नहीं कहा था कि वो ओबीसी का अपमान करें। उनके एडवाइजर ने कहा सजा हम नहीं देते, ऑर्डिनेंस फाड़ डाला, जब उन पर गाज गिरती है तो इतना बेचारा नहीं बनना चाहिए, कोई भी परिवार कानून के ऊपर नहीं है। ये कहना है अमित शाह, गृह मंत्री, जो एक निजी चैनल से चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कर्नाटक चुनाव इन दिनों सुर्खियों में है, और वहीं कर्नाटक बेंगलुरु में
तो आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी या गांधी परिवार कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिस पर कहा जाए कि वो खुद को कानून के ऊपर समझते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है क्योंकि उसे राहुल गांधी के बेखौफ रवैये से डर लग रहा है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में भी डर लग रहा है क्योंकि बीजेपी में इस वक्त बगावत छिड़ी हुई है और कई नेता कांग्रेस के खेमे में जा चुके हैं या कहें तो आ चुके हैं। आज फिर से खबर आई कि चितपुर के पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल हेब्बल और अरविंद चौहान ने अपने समर्थकों समेत बेंगलुरु में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साफ दिख रहा है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, लेकिन अमित शाह को यकीन है कि बीजेपी को इस बार बहुमत मिलेगा। बहुमत तो खैर उसे पिछली बार भी नहीं मिला था, आप सबको पता ही है, और बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई ये भी आप हम सब जानते हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि हम मुद्दों के आधार पर उम्मीदवारों में बदलाव करते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा है कि पार्टी कड़े फैसले लेती है, जो हजम कर लेते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, जो छोड़कर चले जाते हैं उसमें से ज्यादातर चुनाव नहीं जीतते हैं। यानी जो बीजेपी छोड़कर चले गए उनमें से ज्यादातर जो हैं वो चुनाव नहीं जीतते हैं। यानी जो बड़े बड़े नेता, सेट्टार टाइप के नेता जो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस बीजेपी के, कांग्रेस में गए हैं, या लक्ष्मण सावदी साहब जो गए हैं, ये लोग चुनाव जीतेंगे मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, शायद न जीतें, ये अमित शाह का कहना है। तो अमित शाह की इन बातों से पता चल रहा है कि अमित शाह जनता के सामने बीजेपी को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी करेगा क्यों नहीं, क्योंकि सरकार उनकी उस वक्त अभी है, देश में भी मतलब केंद्र में भी है और कर्नाटक में भी है। लेकिन बीजेपी कितनी मजबूत है ये तो 13 तारीख को पता चल जाएगा, नतीजे बता देंगे। कर्नाटक में तो इस बार कांग्रेस के पक्ष में लहर बताई जा रही है और यहां के नतीजे 2024 की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में सत्यपाल मलिक के खुलासे बीजेपी को परेशानी दे सकते हैं। आप जानते ही हैं कि पुलवामा और भ्रष्टाचार पर मलिक साहब के आरोपों से मोदी जी घिर गए हैं, बीजेपी घिर गई है। और इस बीच अब सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले आज मलिक के समर्थन में आरकेपुरम में, जहां वो रहते हैं सत्यपाल मलिक, वहां एक खाप पंचायत आयोजित की गई थी पार्क में, लेकिन इसे पुलिस और आरडब्ल्यूए की मंजूरी नहीं मिली, हंगामा हुआ और कुछ समय बाद सत्यपाल मलिक समेत तमाम खाप नेता थाने में बिठा दिए गए। कहा यह गया पुलिस की तरफ से कि वहां चूंकि अनुमति नहीं थी इसलिए हमने खाप नेताओं को वहां से हटा दिया, लेकिन वो नेता जो है थाने आ गए और उनके पीछे पीछे सत्यपाल मलिक भी आ गए। खबरें यही आई थी कि सत्यपाल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन डीसीपी दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मनोज सिंह ने कहा है कि और खासकर उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि हमने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को हिरासत में नहीं लिया है, वो समर्थकों के साथ अपनी मर्जी से आरकेपुरम स्टेशन आए थे, पुलिस स्टेशन आए हैं, और हमने उन्हें बताया है कि वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। यानी आप अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से चले जाइए। तो पुलिस के दावे कुछ और हैं, तस्वीर में कुछ और दिख रहा है। और इधर इस पूरे घटनाक्रम पर, इसके बाद घटनाक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि यह सरकार उन्हें मरवा भी सकती है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। नहीं थी, खापों के प्रमुख लोग आए थे, एक्सप्रेस देयर सॉलिडैरिटी विद अस। तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लिहाजा हमने एक पार्क में खाने का इंतजाम किया था। इन्होंने प्रेशर में कहा कि साहब इलीगल है ये और यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि हमें ले चलो, तो वी हैव कोटेड अरेस्ट। और कई ग्रुप्स हैं जो हमारे डिफरेंट थानों में इन्होंने बंद किए हैं। लेकिन सर आज बैठक कर रहे थे, क्या मांग थी, क्या मांग नहीं थी? ये जो खाप लीडर्स हैं, दे केम हियर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडरिटी विद द कॉज व्हिच आई एम रेजिंग इश्यूज। बाकी सर आपको सीबीआई ने भी बुलाया कब? हाँ, सीबीआई तो मैंने शिकायत की थी कि इन इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लेरिफिकेशन सीख करने, दे आर कमिंग टू माई हाउस, उन्होंने मुझे भी बुलाया। आप पंचायतें आपको बैक कर रही हैं, उनको क्या? टोटल बात कर लो सर, मैं उनको थैंक करता हूँ। और आगे लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक।
आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले ये गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर देगी? ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। तो आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? मैं सब इतनी कमजोर बात नहीं करता। आगे आगे ठीक है। और अभी जो आपने इंटरव्यू दिया था दबाए में उसके बाद ही आपको सीबीआई का समन आया है? ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरफूर कर देंगे। तो हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के, कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, लेकिन ये सरकार कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, ये भी कह रहे हैं जो अभी आप सुन रहे थे उनकी जुबानी। तो कर्नाटक चुनाव के साथ साथ देश में खूब सियासी उठापटक मची हुई है और सारे तार अगले साल के चुनाव 2024 के चुनाव से जुड़ रहे हैं। बीजेपी किसी भी तरह अगले साल फिर सत्ता में वापसी के लिए सारे गुना भाग कर रही है, लेकिन उसका हिसाब फिर भी गड़बड़ा रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही बीजेपी घाटे में दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में लाभ यानी फायदा दिखने लगा है। ईद और अक्षय तृतीया के दिन बेघर होकर भी राहुल गांधी लोगों के दिलों के करीब आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग घर बचाने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है दोस्तों, आइए चर्चा की शुरुआत इसी पे करते हैं कि क्या और क्यों बीजेपी नुकसान में है और क्यों घर छोड़कर यानी बेघर होकर भी राहुल गांधी फायदे में हैं। लेकिन इन सब के बीच सत्यपाल मलिक के जो बयान आ रहे हैं वो क्या, जैसे सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि 2024 तक ये लड़ाई जाएगी, क्या ये 2024 तक? और खाप पंचायत के लोग, खापों के लोग कह रहे हैं आए थे और अलग अलग थानों में, वो अरेस्ट कहें ना कहें लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अरेस्ट करके और अलग अलग थानों में लेकर गए, हिरासत में लेकर गए। तो ये बात सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं। क्या सत्यपाल मलिक ने खुली चुनौती दे दी है बीजेपी को, मोदी सरकार को, ये भी समझेंगे। राहुल गांधी के घर खाली करने के क्या मायने हैं, ये भी समझेंगे। राहुल गांधी ने एक नोटिस उधर पटना कोर्ट को भी भेजा है कि एक ही केस पे जिस पर मुझे सजा हो चुकी है उस पर दोबारा सुनवाई और फिर से, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो इसकी अनुमति नहीं देता, IPC पेनल कोड भी इसकी अनुमति नहीं देता है कि एक ही केस जिस पे आपको सजा हो चुकी है उसको आप 36 जगह लगा दीजिए और हर जगह से सजा की उम्मीद कीजिए, वो भी नहीं। लेकिन खैर, ये भी आज राहुल गांधी ने पटना कोर्ट को भेजा है। बहुत कुछ है खबरें, आज वीकेंड है, साथ में अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है और सबसे बड़ी बात ईद है और हम सब